या पर HyperOS एंड MIUI के लिए Android 15 का जो थीम है अवेलेबल हो गया है, तो आप जरूर से वीडियो को अंत तक देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सभी थीम का जो डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके थीम स्टोर से सभी थीम को जो है डाउनलोड करना होगा। तो वन बाय वन अप्लाई करके देखते किस तरह से यहाँ पर थीम्स के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा यूजर इंटरफेस के साथ। तो सबसे पहले हमने जो है इस थीम को अप्लाई किया है, इस थीम के साथ कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। यहाँ पर विजेट्स के साथ चेंजेस देखने को मिलता है, वेदर विजेट्स का ऑप्शन है, डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा, सेटिंग्स, थीम, डायलर, फाइल्स, वेदर, नोट्स, कैमरा, कैलकुलेटर, रिकॉर्डर, गैलरी, कैलेंडर, सभी आइकॉन के साथ जो है पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। प्लस यहाँ पर जो सर्च बार है इसके साथ भी चेंजेस है, यहाँ पर बैटरी बार के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। डायलर की अगर बात करें कुछ इस तरह से जो है डायलर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा इस सिम के साथ, जो है मोनेंट UI का जो सपोर्ट है देखने को मिल जाएगा। मैसेजिंग एप्लीकेशन की अगर बात करें कुछ इस तरह से मैसेजिंग एप्लीकेशन के ऊपर UI देखने को मिलता है। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी जो है कलर के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर के साथ। अगर बात करें पर वॉल्यूम पैनल के बारे में तो कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल के ऊपर UI है। सेटिंग्स मेनू के साथ कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, बाय डिफॉल्ट UI देखने को मिल जाएगा सेटिंग्स मेनू के साथ। बाय द वे यहाँ पर हमने Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर HyperOS 1.0.15.0 स्टेबल Xiaomi U का जो अपडेट है इंस्टॉल किया है। इस अपडेट के रिलेटेड इंस्टॉलेशन एंड रिव्यू वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, सिंपली Redmi Note 11 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके चेकआउट करके देखना है। सभी जो थीम है रेडमी एंड पोको MIUI एंड HyperOS के साथ जो है काम कर जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से UI है। एंड यहाँ पर MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर है सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जो स्विच स्टाइल है इसके साथ जो है यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन अगर बात करें कुछ इस तरह से जो है पर लॉक स्क्रीन UI देखने को मिल जाएगा। मोनेंट UI का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। यहाँ पर फ्लैशलाइट एंड कैमरा का जो शॉर्टकट है देखने को मिलेगा, काफी बढ़िया है। तो जरूर से इस थीम को जो है ट्राई करके देख सकते हो आपके डिवाइस के ऊपर। बात कर लेते पर नेक्स्ट थीम के बारे में, तो नेक्स्ट ए जो थीम है इस थीम को हमने अप्लाई किया है। एंड इस थीम के साथ भी कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड अगेन थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना, तो अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर UI के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इस थीम के साथ कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। यहाँ पर आइकॉन के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है, प्लस विजेट्स एंड डेट एंड टाइम के साथ भी चेंजेस है, बैटरी बार के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर डायलर मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। वॉल्यूम पैनल के साथ कुछ इस तरह से यहाँ पर UI देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड सेटिंग्स मेनू के ऊपर कुछ इस तरह से UI देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जो है स्विच स्टाइल के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है उसके साथ जो है अगेन यहाँ पर कलर के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर लॉक स्क्रीन की अगर बात करें कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन के साथ जो रैपल एनिमेशन है देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्लैशलाइट एंड कैमरा का जो शॉर्टकट है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको अलग अलग थीम देखने को मिलेगा, आप इसे जरूर से ट्राई करके देख सकते हो। बात कर लेते पर नेक्स्ट थीम के बारे में, तो यहाँ पर इस थीम को हमने अप्लाई किया है। अगेन थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना। इस थीम के साथ जो है यहाँ पर बैटरी आइकॉन, म्यूट आइकॉन एंड यहाँ पर जो नेटवर्क आइकॉन है नेटवर्क आइकॉन के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से इस थीम के साथ जो है वॉलपेपर देखने को मिलेगा, काफी बढ़िया यहाँ पर आइकॉन पैक देखने को मिलता है, काफी डिफरेंट है। यहाँ पर सेटिंग्स, थीम, डायलर, नोट्स, वेदर, कैलेंडर, कैलकुलेटर सभी आइकॉन के साथ जो है पर चेंजेस देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर विजेट्स के साथ भी यहाँ पर चेंजेस है। एंड सर्च बार के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। कंट्रोल सेंटर के साथ जो है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट UI देखने को मिल जाएगा। डायलर की अगर बात करें डायलर जो है कंप्लीटली यहाँ पर रीडिजाइन हो गया है, तो कुछ इस तरह से जो है डायलर के साथ UI देखने को मिलता है, काफी सही है। यहाँ पर अगर बात करें मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी ट्रांसपेरेंट UI देखने को मिलेगा।
सेटिंग्स मेनू के साथ भी पर ट्रांसपेरेंट यूआई देखने को मिलता है। प्लस सेटिंग्स मेनू के ऊपर जितने भी आइकॉन है सभी आइकॉन के साथ जो है पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। इवन जो वॉल्यूम पैनल के साथ कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलता है। ये जो थीम है इस थीम के साथ जो है सेटिंग्स मेनू जो है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। यूआई 11 कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से यूआई है, नेवला कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। ये जो थीम है आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट थीम के बारे में। सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट जो थीम है इस थीम को अप्लाई करते हैं। थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना। हमने यहाँ पर हाइपर ओएस एंड एमआईयूआई थीम्स के रिलेटेड ढेर सारी वीडियो को अपलोड किया है। सिंपली एमआईयूआई थीम्स का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर इस थीम के साथ कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर वॉलपेपर के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। प्लस जो आइकॉन वगैरह है सभी के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। रिकॉर्डर, गैलरी, कैलेंडर, कैलकुलेटर, वेदर, नोट्स, कैमरा सेटिंग्स, डायलर, थीम, सभी आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलता है। विजेट्स के साथ चेंजेस है। प्लस यहाँ पर जो बैटरी आइकॉन है इसके साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा। इवन जो डायलर है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ पर डायलर के साथ भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट यूआई देखने को मिलता है। प्लस मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट यूआई देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें सेटिंग्स मेनू जो है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। सेटिंग्स मेनू के साथ भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट यूआई है। एंड यहाँ पर अगर बात करें कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलता है। यहाँ पर थीम की अगर बात करें कुछ इस तरह से थीम के साथ यूआई है। पर बैटरी परसेंटेज, डायलर, कैमरा, थीम, कैलकुलेटर, स्टेप काउंटर, गैलरी यूआई है। तो इस थीम के साथ आपको लॉक स्क्रीन यूआई कैसे लगा जरूर से कॉमेंट करके बोल सकते हो। एनीवे अभी फिलहाल बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट थीम के बारे में। नेक्स्ट जो थीम है इस थीम को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। सभी सिस्टम आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। विजेट्स के साथ चेंजेस है। कंट्रोल सेंटर एंड डायलर के साथ हमने जो है चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर अगर बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिल गया है। तो जरूर इस थीम को ट्राई करके देख सकते हो आपके डिवाइस के ऊपर। एंड सभी थीम का जो डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बात कर लेते हैं इस थीम के बारे में। तो हमने यहाँ पर ए जो थीम है इस थीम को अप्लाई किया है। इस थीम के साथ जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सरस भर के साथ जो है यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। इस थीम के साथ जो है आइकॉन वगैरह के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। विजेट्स के साथ भी यहाँ पर चेंजेस है। कंट्रोल सेंटर के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन के साथ यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। डायलर के साथ भी चेंजेस है। जरूर से सभी थीम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।